हाय फ्रेंड्स, तो आज हम बनाने वाले हैं मसाला प्रॉन्स। और जो लोग मेरे वीडियोस देखते हैं उन्हें पता ही होगा कि कल हम अफ्रीका के एक लोकल फिश मार्केट गए थे। वहाँ का जो ब्लॉग मैंने बना के अपलोड किया था, काफ़ी लोगों ने देखा है, तो वहीं से हम लोग लेके आए हैं प्रॉन्स। बहुत बड़ी प्रॉन्स हमें मिली है और उसी की मैंने आज रेसिपी बनाई है, जो कि मसाला प्रॉन्स है। इतनी ज़्यादा टेस्टी बन के ये तैयार हुई थी ना रेसिपी, कि आप अगर ये एक बार बनाओगे तो आपको भी बहुत ज़्यादा पसंद आएगी। सो हमने वज़न में अगर मैं बोलूँ तो 1 किलो वज़न की ये प्रॉन्स हमने ली थी। और कलर आप देख सकते हो उसका, थोड़ा सा ग्रीनिश और वाइट कलर का है। तो अलग अलग वैराइटीज़ के प्रॉन्स थे वहाँ पे, लेकिन हम लोगों ने ये टाइम ये प्रॉन्स लेके आए हैं। तो हमें अभी इसे साफ़ करना है। साफ़ कैसे करना है, हम इसका छिलका तो नहीं उतारेंगे, लेकिन हम लोग जो बनाएंगे तो वो एक थोड़ी सी अलग स्टाइल से बनाएंगे। तो मैं आपको दिखाती हूँ, ये देखिए इस तरह से हमें उसे साफ़ करना है। मतलब उसके जो नीचे वाले जो पैर होते हैं ना, ये वाले पैर, ये पैर हम लोग उसके कैंची से कट कर देंगे। तो कैसे साफ़ मैंने की है प्रॉन्स वो भी मैं आपको दिखाऊंगी। एक जो मैंने दिखाया उसी की तरह से ये सारे प्रॉन्स हम लोग साफ़ करेंगे। तो अब हम एक एक करके प्रॉन्स को इसी तरह से कैंची से कट करेंगे। उसका जो पैर का पैर और आगे जो उसकी आँखें हैं ना, वो भी हम कट करेंगे। तो इसी तरह से हमें सारे प्रॉन्स को रेडी करना है। तो ये मैंने सारे प्रॉन्स ऐसे रेडी कर दिए हैं, लेकिन अभी ये हमारे प्रॉन्स साफ़ नहीं हुए हैं, इन्हें और ज़्यादा क्लीन करना है, और वो सबसे मेन इम्पॉर्टेंट है। तो हमें क्या करना है, एक प्रॉन्स लेनी है और कैंची से हमें उसके जो सर का ऊपर का पोर्शन है उसे ऐसे धीरे से कट करना है। फिर यहाँ पे भी हम कट लगाएंगे। ये क्यों कट लगाना है मैं आपको दिखाती हूँ, क्योंकि प्रॉन्स के अंदर ये ऐसी गंदगी होती है, जो रेशे होते हैं ना, ये इससे हमें पेट का इन्फेक्शन हो सकता है या हमें उससे पेट ख़राब हो सकता है। तो ये हमें कंपलसरी निकालना है। तो इसे निकालने के बाद उसका जो सिर के ऊपर का पोर्शन है उसमें भी गंदगी होती है, तो आप डायरेक्टली नल के साथ उसे साफ़ कर सकते हो। मैं अभी दिखाती हूँ आपको, ये देखिए कितना सारा उसके अंदर, इतनी सारी गंदगी थी। तो ये सब हमें निकालना ही है। तो हमें इसी तरह से सारी प्रॉन्स को साफ कर लेना है। अभी आप देख सकते हो फ्रेंड्स, अंदर से कितनी अच्छी तरह से साफ हो चुकी है। तो ये हमारी अभी प्रॉन्स, मसाला प्रॉन्स बनाने के लिए रेडी है। तो यहाँ पे मैंने कुछ 10-12 लहसुन की कलियाँ और अदरक का 1 इंच का टुकड़ा लेके उसकी पेस्ट बनाई है। गैस ऑन करके उस पर मैंने एक पैन रख के 2 मीडियम साइज़ के प्याज मैंने कट किए हैं। तो इन्हें हमें सिर्फ थोड़ा सा रोस्ट करना है, उसका जो कच्चापन है वो उसका निकालना है हमें, ज़्यादा नहीं करना है हमें, बस उसका कलर थोड़ा चेंज होने तक। आप चाहो तो उसमें थोड़ा सा ऑयल मिक्स कर सकते हो। और अब हम इसे एक प्लेट में निकाल के उसकी एक मिक्सर ग्राइंडर में अच्छे से पेस्ट करेंगे। सो यहाँ पे हमारी प्याज की जो पेस्ट है वो तैयार है। उसी मिक्सर ग्राइंडर में हम लोग 2 मीडियम साइज़ के टमाटो ऐड करेंगे और उसकी एक पेस्ट बनाएंगे। तो दोनों पेस्ट हमारी रेडी है। उसके साथ में मैंने अदरक और लहसुन की पेस्ट बना के ली है। और आज मैं जो रेसिपी बनाने वाली हूँ वो ऑलिव ऑयल में बनाने वाली हूँ। उसके साथ में थोड़ा मक्खन भी लिया है मैंने। तो आप कौन से भी ऑयल में, आप अपने पसंद के अनुसार बना सकते हो, मस्टर्ड ऑयल या रेगुलर ऑयल में। सो यहाँ पे मैंने 2 टेबलस्पून ऑयल, इतना ऑलिव ऑयल मिक्स किया है। उसमें अब हम मिक्स करेंगे ये बटर, एक बड़ा सा टेबलस्पून बटर उसमें मैंने ऐड कर दिया है। अच्छे से मिलाएंगे दोनों को। इसमें जल्दी हम मिक्स करेंगे जिंजर और गार्लिक की पेस्ट, अच्छे से मिलाएंगे उसे। आप चाहे तो यहाँ पे ग्रीन चिली का भी इस्तेमाल कर सकते हो, अगर आपको ज़्यादा स्पाइसी खाना है तो। और तुरंत ही हम उसमें प्रॉन्स हमारे ऐड करेंगे।
अच्छा एक बात मैं भूलना भूल गई आपको बताना, प्रॉन्स पे मैंने ना प्रॉन्स जब साफ़ किए थे तब उसमें लेमन जूस मैंने उन पे ऐड किया था, तो आप ज़रूर लेमन जूस जो प्रॉन्स है ना उसमें डाल दीजिएगा। अभी अच्छी तरह से प्रॉन्स को हम मिक्स करेंगे तो उसका जो कलर है वो चेंज हो जाएगा, धीरे धीरे आपको पता चलेगा कि उसका रेड कलर होता जाएगा। थोड़ा सा सॉल्ट ऐड कर लेती हूँ स्वाद के अनुसार, हल्दी, हल्दी ऐड करने के बाद हम अच्छे से मिक्स करेंगे। हमें जस्ट प्रॉन्स को फ्राई करना है इसमें ताकि जो स्वाद है वो उसमें अच्छी तरह से उतर जाए। और कलर आप देख सकते हो प्रॉन्स का कलर बदलते जा रहे हैं, उसका रेड कलर आता है। मैंने इसमें ज़्यादा फ्लेवर्स ऐड नहीं किए हैं, फिर भी ये प्रॉन्स जो है वो बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनेगा। आप चाहे तो इसमें करी लीव्स जो होते हैं ना वो उसमें मिला सकते हो, या पुदीना के पत्ते आप उसमें मिक्स कर सकते हो तो वो फ्लेवर भी उसमें ऐड हो जाएगा। तो अच्छी तरह से हम प्रॉन्स जो है हमारे अच्छे सॉफ्ट हो चुके हैं, अंदर तक उसका फ्लेवर जा चुका है। तो अब हम इसे एक प्लेट में निकालेंगे। आप देख सकते हो कितने बढ़िया दिख रहे हैं प्रॉन्स। और अब हम इसे इसका जो है मसाला बनाएंगे। तो एक दो तीन मिनट के बाद मैंने इसे प्लेट में निकाल दिया, उसी पैन में हम मसाला बनाने वाले हैं। कितने सुपर लग रहे हैं ना, उसका कलर चेंज हुआ है तो बहुत ही बढ़िया लग रहे हैं प्रॉन्स। आप ऐसे भी इसे खा सकते हो, लेकिन आज हम बनाने वाले हैं मसाला प्रॉन्स। तो एक बड़ा सा टेबलस्पून मैं इसमें फिर से बटर ऐड कर रही हूँ। और अब हम इसमें ऐड करेंगे हमारे जो ऑनियन की पेस्ट थी ना, प्याज की पेस्ट जो हमने मिक्सी में बनाई थी, वो इसे अच्छी तरह से अभी हम उसका जो कच्चापन है, कच्चापन तो वैसे हमने फ्राई किया था तो थोड़ा सा कम हुआ है, तो और अच्छी तरह से हम इसे मिक्स करेंगे जब तक कि उसका कलर चेंज ना हो जाए तब तक। आप चाहो तो बटर के साथ थोड़ा सा ऑयल भी मिक्स कर सकते हो, लेकिन मुझे ज़रूरत नहीं लगी इसलिए मैंने मिक्स नहीं किया है। और अब हम इसमें थोड़ा खड़ा मसाला ऐड करेंगे। खड़े मसालों में आपके पास जितना अवेलेबल है वो आप ऐड कर सकते हो। मैंने यहाँ पे कुछ दो तीन लौंग, काली मिरी और इलायची, दालचीनी जो है वो मैंने इसमें मिक्स की है। तो अच्छी तरह से मिक्स करेंगे ताकि उसमें थोड़ा सा गरम मसाले का फ्लेवर भी आ जाए। उसी के साथ में मैंने उसमें अदरक और लहसुन की पेस्ट ऐड की है जो बची हुई थी, वो भी मैंने उसमें मिला दी है ताकि मसालों में भी उसका फ्लेवर जो है बना रहे। सो हमारा प्याज अच्छी तरह से भून चुका है, तो अब हम इसमें जो हमारी टमाटो की जो पेस्ट बना के रखी थी ना टमाटर की, वो इसमें मिलाएंगे। अभी अच्छी तरह से मिक्स करेंगे हम जब तक कि हमारा अच्छा सा एक मसाला तैयार हो ना जाए, तब तक हमें अच्छे से भूनना है इसे। ज़्यादा फास्ट गैस नहीं करना है हमें, मीडियम गैस पे ही हमें ये मसाला भूनना है। टमाटे हमने ऐड किए हैं इसीलिए हम थोड़ा सा सॉल्ट भी ऐड करेंगे, थोड़ी सी हल्दी जो कि मैंने पहले मिक्स की है इसलिए मैंने थोड़ा सा कलर के लिए मिक्स कर रही हूँ। उसी के साथ में मेरा जो रेगुलर मसाला है ना वो मसाला मैंने उसमें ऐड किया है, और कलर के लिए कश्मीरी रेड चिल्ली पाउडर। अब ये पूरा आपके ऊपर डिपेंड है कि आपको कितना ज़्यादा तीखा चाहिए, उसी के हिसाब से आप मसाले उसमें ऐड कर लीजिएगा। धनिया और जीरा का पाउडर है वो मैंने उसमें मिलाया है। अच्छी तरह से मिलाएंगे, 1-1 टेबलस्पून अगर आप मसाला ऐड करते हो ना सब तो भी बेटर है। तो अभी आप मसाले का कलर देख सकते हो, अच्छी तरह से ये बन चुका है, मतलब अब हम इसमें प्रॉन्स ऐड कर सकते हैं। अब हम इसमें थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे, एक थोड़ी सी थिकनेस आनी चाहिए इसलिए हम इसमें गर्म पानी का ही इस्तेमाल करने वाले हैं। तो ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा पानी ऐड करूँगी मैं। मिला दी इसे मसालों को अच्छी तरह से। अब आप इसमें अगर चाहे तो प्रॉन्स मसाला जो मिलता है ना मार्केट में वो भी आप इसमें ऐड कर सकते हो।
एक एक प्रॉन्स को हम इसमें अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। ऑलरेडी हमारी जो प्रॉन्स है हमने फ्राई करते समय ना वो थोड़ी सी मतलब बन चुकी थी, तैयार हुई थी, तो अब हम इसमें एक 5 मिनट्स तक ही हम इसे कुक करेंगे। ज़्यादा हमें इसे पकाना नहीं है। ये जो मसाला है अंदर तक उसके जाना चाहिए, उतना ही हम उसमें मिक्स करेंगे। अगर आपको थोड़ी सी ग्रेवी ज़्यादा चाहिए तो आप पानी जो है वो बढ़ा सकते हो। मसाले की क्वांटिटी में मैंने आपको बताया कि आपके ऊपर है, फुल डिपेंड। अगर आपको ज़्यादा तीखा चाहिए तो आप और भी ज़्यादा उसमें बढ़ा सकते हो। तो आज की ये हमारा मसाला प्रॉन्स रेसिपी फ्रेंड्स तैयार है। आपको कैसी लगी मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। बहुत ही अमेजिंग और बहुत ही टेस्टी रेसिपी ये बन के तैयार होती है। तो चलिए दोस्तों अब हम इसे एक प्लेट में निकालेंगे। अब हम सर्व करने के लिए इसे एक प्लेट में निकालेंगे। आप इसे राइस के साथ, चपाती के साथ परोस सकते हैं। बहुत ही बढ़िया रेसिपी बनती है। तो फ्रेंड्स आज की मसाला प्रॉन्स रेसिपी हमारी तैयार है। सर्व करने के लिए आप उसे चपाती या राइस के साथ, दाल राइस के साथ भी खा सकते हो। बहुत ही बढ़िया लगती है। और 2 प्लेट में मैंने निकाले हैं। तो फ्रेंड्स आज की रेसिपी आपको अच्छी लगी तो ज़रूर एक लाइक कर दीजिएगा, और चैनल पर नए हो तो आप सब्सक्राइब करके रखना ऐसे अमेजिंग वीडियोस देखने के लिए। तो चलिए दोस्तों जल्द ही हम मिलेंगे एक नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों। बाय बाय, टेक केयर।